क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार का भी वही हाल होने वाला है जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था? आपको याद होगा कि बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के तहत पूरी शिवसेना का तंबू उखाड़ दिया और बात बात में हिंदुत्व के बहाने मोदी और बीजेपी को कोसने वाले उसके आला कमान यानी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। पार्टी भी छीन ली, नाम भी छीन लिया, यहां तक कि चुनाव चिन्ह तक भी छीन लिया। दूसरी भाषा में कहें तो करवा दिया। किसने करवाया ये तो हर कोई जानता है और समझता भी है। क्या उसी तर्ज पर उसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार का होने वाला है कोई बड़ा कांड? ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति का जो तौर तरीका आजकल सत्ता में बैठी बीजेपी करती है उससे तो यही संकेत मिल रहा है और दिखने भी लगा है। अब पूछिए कि कैसे, तो मैं इस पूरे राजनीतिक घोटाले का, जी हां, मैं इसको राजनीतिक घोटाला कहूंगा, का यहां विश्लेषण करूंगा, जिससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या हुआ था महाराष्ट्र में और अब दिल्ली में क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। आइए पहले हम आपको दो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद करते हैं इस पर पूरी चर्चा। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। वहां आपकी सीबीआई, वहां आपकी ईडी, वहां आपकी जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में गजनी मोड में चली जाती है, गजनी मोड में। देखा आपने, कुछ गौर किया, कुछ समझ में आया? एक समय संजय राउत हर रोज कुछ इसी तरह का गर्जना करते थे, बात बात में मोदी और बीजेपी को चैलेंज करते थे। अब कौन कर रहा है? तो नाम है संजय सिंह। किसके आदमी है? तो आम आदमी पार्टी के। जैसे संजय राउत दाहिना हाथ हुआ करते थे और है भी शायद, उसी तरह इन दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह केजरीवाल के राइट हैंड बने हुए और हुंकार पर हुंकार भर रहे हैं। नाम भी दोनों के लगभग एक जैसे हैं, एक है संजय राउत, दूसरे हैं संजय सिंह। अब समझिए कि खेल क्या है। बीजेपी आज की तारीख में बहुत घाघ पार्टी मानी जाती है और कोई इसे एग्रेसिव पॉलिटिक्स कहता है तो कोई इसे गंदा पॉलिटिक्स कहता है। हम तो कुछ नहीं कहते हैं, हमारा तो अनुभव कहता है कि राजनीति बहुत बेरहम होती है और राजनीति का कोई नियम कायदा नहीं होता है। कब कौन किसके पाले में यानी किसके पार्टी में चला जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे ये नैतिक रूप से गलत लगता तो जरूर है, लेकिन इसमें कोई बुराई है ही नहीं। राजनीति का मतलब ही होता है राज करने की नीति, मतलब राज करना है, किसके? जनता के दिलों में राज करना है, अब चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना। सिद्धांत की राजनीति बीते जमाने की बात हो गई, अब किताबों और किस्सों में रह गई है सिद्धांतों की राजनीति, क्योंकि एक ही उदाहरण बार बार सिद्धांत की राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण पेश किया जाता है कि कैसे रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था लाल बहादुर शास्त्री। अब कौन शास्त्री बनना चाहता है? राजनीति के खेल में सब एक समान सा दिखने लगा है। तो चलिए अब बात फिर दिल्ली में चल रहे राजनीतिक उठापटक की, जो बहुत जल्द राजनीतिक घोटाला बन सकता है, मतलब टक्का पलट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि केजरीवाल की पार्टी भी शिवसेना की तरह टूट कर बिखर न जाए, और ये हो भी सकता है कि पूरी पार्टी पर ही किसी और का कब्जा हो जाए। उद्धव ठाकरे का भी यही हाल हुआ था, और क्यों हुआ था उसके पीछे अगर विश्लेषण किया जाए तो कई तरह के तर्क सामने आते हैं। अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए कि कैसे हिंदुत्व पर ललकारने वाले शिवसेना के संजय राउत अपने आका उद्धव ठाकरे के लिए मोदी पर जमकर हल्ला बोलते थे। हल्ला ही नहीं बोलते थे बल्कि कई बार तो ललकारते भी थे। बीजेपी तब कभी कभी चुप रहती थी, लेकिन बीजेपी की चुप्पी को संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने हल्के में लिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन कमल स्टार्ट हुआ ठाकरे का पूरा किला खत्म कर दिया। पार्टी में पहले तोड़फोड़ हुई,
सरकार गिराई गई और ऑपरेशन कमल का अंतिम मास्टर स्ट्रोक शिवसेना पर कब्जा कर रहा। ठाकरे परिवार और संजय राउत का गरजना कोई काम नहीं आया और दोनों आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही हाल अब दिल्ली की राजनीति में होने को है, ऐसा दिखता है। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह तीनों ने भी मोदी सरकार को जब जब मौका मिला है तब तब घेरने की कोशिश की, जमकर तमाशा भी किया है, लेकिन इससे मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला था। वो तो चुप रह करके इन तमाशे को तमाशबीन की तरह देखती रही, वो चेकते रहे और रिजल्ट में क्या आया, दो मंत्री आज जेल में है और दोनों मंत्री शूरवीर हैं आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल के सब कुछ देखने वाले और उनके राजदार हैं दोनों मंत्री जो जेल में है, मतलब ऑपरेशन कमल की शुरुआत हो चुकी है। केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीबीआई और ईडी को ललकारते हुए कई बार कहा था कि अगर सबूत है, हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाओ। केजरीवाल को लगा शायद उनकी राजनीतिक तिखम चिल्ली से सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के मफलर साहब ये भूल गए कि राजनीति शतरंज के खेल की तरह होती है भाई साहब, यहां चुप रहकर भी चाल चली जाती है और हुआ भी है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जेल में ही ईडी ने फिर से पूछताछ और 9 मार्च को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब जेल में लंबा सफर कटने वाला है। उधर याद होगा सत्येंद्र जैन को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जेल में रहते हुए। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बुनियादी सोच करप्शन के खिलाफ लड़ना था, जो आज खुद करप्शन करने के चक्कर में जेल में है उनके दो दो स्टार मंत्री और उनके नेता। खबर तो यह है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो महज एक ट्रेलर है। एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक छत्र राज करने वाले शिवसेना का खिलाफ घेरा था। याद होगा आपको, रातों रात एकनाथ शिंदे और 40 विधायक बागी हो गए और उद्धव ठाकरे को पता तक नहीं चला। वजह क्या थी? सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे का पार्टी की मूल सोच यानी हिंदुत्व की सोच से किनारा करना, और ठीक वैसा ही दिल्ली में होता दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि जल्द ही यह खबर आए कि आम आदमी पार्टी बिखर गई है। अब अगर कोई इस बात को बेबुनियाद बताए तो पहले वो इस बात पर गौर करे कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़ी हुई थी, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को भ्रष्ट और खुद को पाक साफ बताती थी। उसी पार्टी से जुड़ने वाले लोग कौन थे? चाहे किसी गली मोहल्ले का अदना सा कार्यकर्ता हो या कोई नेता, सभी इस सोच के साथ केजरीवाल एंड पार्टी से जुड़े थे। ये एक नई सोच है, शुद्ध सोच है, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाली पार्टी से जुड़े हुए थे, तय है इतने आरोप लगने के बाद अब वो धीरे धीरे ही सही लेकिन किनारा जरूर करेंगे। बाकी बचे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केजरीवाल का साथ में खड़े हैं, केजरीवाल के करीबी हैं, तो आने वाले वक्त में उन पर भी गाज गिरना हो सकता है, तय है। लेकिन कुछ लोग आज भी करप्शन के मुद्दे पर लड़ना चाहते हो, भले ही उस लड़ाई में केजरीवाल उनके साथ नहीं हो। बीजेपी इसी की तलाश में जुट गई है, वो ऐसे नेताओं को ढूंढ रही है और उन्हें समझा रही है कि करप्शन पर तो खुद मोदी जी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ो केजरीवाल ने उनकी कंपनी को और आओ सरकार बनाते हैं, डबल इंजन की सरकार, आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार। इसमें न तो केजरीवाल होंगे और न ही उनकी टीम, और इसी तरह दोहराया गया था महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल और रातों रात सरकार बदल गई और शिवसेना के नेता भी बदल गए। पार्टी हालांकि आज भी वही है शिवसेना, लेकिन कब्जा किसी और के पास है। यहां दिल्ली में भी कुछ ऐसा हो सकता है। इस काम में आम आदमी पार्टी के फाउंडर भी नेता कपिल मिश्रा हैं, अश्विनी उपाध्याय से लेकर कई नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल एंड टीम की वजह से बाहर हो गए, वो किस दिन काम आएंगे। दिल्ली में ऑपरेशन कमल के तहत ऐसे विधायक बड़ी आसानी से केजरीवाल का इस आधार पर किनारा कर सकते हैं कि केजरीवाल ने ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया, उन्हें मंत्री बनाया जो उनके करीबी थे और सब के सब
करप्शन के मामले में फंसते चले गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। केजरीवाल को पहले इन्हीं विधायकों पर बहुत नाज और घमंड था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अब केजरीवाल एक कोटरी में फंस गए, विधायकों से बहुत दूर होते चले गए। अब आम आदमी पार्टी के कई विधायक पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ कोटरी वाले को ही मंत्री बनाया जाएगा। पार्टी का जो आक्रामक तरीके से लड़ने की जो नीति थी, जिसके बलबूते सत्ता हासिल की थी, आज कहीं क्यों नहीं दिख रही है? सिर्फ अनशन और ध्यान करने और जेल में गीता पढ़ने से क्रांति हो सकती है क्या? सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या? यही सब सवाल विधायकों के मन में है और यही बिखराव का कारण भी बन सकता है। क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय नेता की पहचान बनाने और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने के चक्कर में आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कई सवालों के घेरे में है, और बीजेपी ऐसे ही सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में कोई तख्ता पलट हो जाए तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि राजनीति बेरहम होती है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं। वो आपने कानपुर के एक दुकान पर लिखा होर्डिंग जरूर पढ़ा होगा, जिसमें लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। राजनीति विशुद्ध ठगने वाला धंधा बन गया है कुछ लोगों के लिए। क्या दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो सकता है या आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो सकती है? इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।